स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको रोजाना ऐसे हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स बताते हैं जिससे आपकी लाइफ और हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष उपचार जिसकी मदद से आप अपने बालों को तुरंत ही सॉफ्ट सिल्की, ना केवल अपने बालों को मॉइस्चराइज कर सकते हैं बल्कि आप उन्हें काला, लंबा और घना भी बना सकते हैं यदि आप इसका नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एलोवेरा, दही और मेथी दाने की मदद से झटपट तैयार होने वाला एक हेयर मास्क, जिसके नियमित प्रयोग से आप अपने बालों को फिज फ्री और मैनेजेबल, आसानी से किसी भी हेयर स्टाइल को बना सकते हैं अपने बालों पर। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक एलोवेरा की पत्ती को धोकर साफ करके उसके किनारे अलग कर देने हैं, और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक चम्मच की मदद से आपको एलोवेरा की पत्ती की ऊपरी सतह को हटा देना है। इसके लिए आपको एलोवेरा में किनारे से अपनी एक तेज धार चम्मच को यानी कि स्पून को फंसाना है और उसे बस ऊपर से नीचे की तरफ खींच देना है। इससे ये आसानी से छिल जाएगी और हम आसानी से इसका जेल निकाल पाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आधी पत्ती को खोलकर दिखा रही हूँ। अब मैं इसको पूरा छील दूंगी, इसकी पूरी ऊपरी परत को मैं हटा दूंगी इसी तरीके से। दोस्तों अब हम इसका जेल, आप देख सकते हैं इसका जेल साफ दिख रहा है। इसी तरीके से हम इस पूरी पत्ती को ऊपर की सतह इस पत्ती की हम निकाल देंगे। अब हम एक साफ कटोरी लेकर उसमें इस जेल को, इस ताजा जेल को इस पत्ती से अलग करेंगे। यही क्रिया हमें दोनों तरफ करनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये हमारा एकदम ताजा एलोवेरा का जेल आसानी से, बहुत ही कम समय में और पूरी तरीके से हम निकाल सकते हैं इस विधि के द्वारा। ये देखिए, लगभग एक बड़ी पत्ती का हमने जेल यहाँ पर लिया है। दोस्तों इस पत्ती को मैंने पहले से पूरे 24 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया था तोड़ने के बाद, ताकि इसका जो पीले रंग का पदार्थ जो बहुत हानिकारक होता है वो निकल जाए। वो पूरी तरह से निकल गया है और हमने इस पत्ती से इसका ताजा जेल यानी कि एलोवेरा जेल को निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम भीगे हुए मेथी के दानों को, जिन्हें हमने रात में भिगो दिया था, आप देख सकते हैं ये रात में भिगोने से बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमारे पास है ताजा एलोवेरा जेल, दही। आप 2-3 दिन पुरानी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपके पास पुरानी दही नहीं है तो आप ताजा दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक जार। दोस्तों लगभग एक छोटी कटोरी हमने एलोवेरा जेल लिया है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसमें जार में इसको डाल दिया है। अब हम इसी अनुपात में एक कटोरी मेथी दाना, जो हमने रात में भिगो कर रखा था, एक छोटी कटोरी मेथी दाना हमने इसमें डाल लिया है पूरी तरीके से, और अब हम एक छोटी कटोरी ही दही इसमें डाल देंगे। दोस्तों जो एलोवेरा जेल होता है वो हमारे बालों को सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी बनाता है, और ये कई हद तक हमारे बालों को मैनेजेबल भी बनाता है। इसकी मदद से हमारे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। मेथी दाना हमारे बालों को पोषण देता है, झड़ने से बचाता है, रूसी आदि की समस्या को भी कम करता है। मेथी दाना का यह नियमित तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारे बालों को काला भी करता है, और दही हमारे बालों को और स्कैल्प को मजबूत करता है। दोस्तों हमारे सिर से संबंधित कोई भी समस्या यानी कि हमारे स्कैल्प से संबंधित कोई भी समस्या, जैसे डैंड्रफ हो गई है, आपको बहुत ज्यादा खुश्की हो रही है, आपको और भी बहुत सारी समस्याएं या इन्फेक्शन हो गया आपको, तो ये तीनों चीजें आपको इन सभी समस्याओं से बचाती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। यदि पेस्ट ज्यादा पतला हो गया है दोस्तों तो आप चिंता ना करें, लगभग 5 मिनट आप इसको ऐसा ही छोड़ दें, ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा मेथी दाने की वजह से। या आप चाहें तो 2-3 घंटे तक भी इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, तो ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है,
अपने बालों को अच्छे से साफ कर लें पहले इससे दोस्तों। कोई भी हेयर मास्क लगाने से पहले अपने बालों को साफ कर लें। उसके बाद सूखने पर, जब आपका सर बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाए, आप चाहे तो एक दिन पहले भी अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। जब आपका अच्छे से सर सूख जाए, उसके बाद बालों को सुलझा कर आप मांग कर करके इस पेस्ट को अपने पूरे बालों पर लगा लीजिए। ये हेयर मास्क आप बालों की जड़ों से लेके आप बालों के छोरों तक इसको लगा लीजिए और हल्के हाथों से मसाज कीजिए। उसके बाद अपने बालों को थोड़ा सा बांध कर, आप चाहें तो किसी भी कॉटन के कपड़े या फिर शावर कैप से, या चाहें तो आप अपने बालों को ढक लीजिए और इसको लगभग 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही लगा छोड़ दीजिए। सूखने पर अपने बालों को इससे साफ कर लीजिए। आपको इसके बाद शैम्पू नहीं लगाना है दोस्तों। जितना भी हो सके आप गुनगुने पानी से अपने बालों को साफ कर लीजिए। हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मेथी दाना आपके बालों में लगा रह जाएगा, लेकिन यदि आप अच्छे से साफ करेंगे तो वो ऐसे ही साफ हो जाएगा। यदि आपको लगे कि मेथी दाना ज्यादा आपके बालों में चिपक रहा है, तो आप इसको छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी के इस्तेमाल से ही आप अपने बालों को धोएं। ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल ना करें। हल्के पानी से जब आप अपने बालों को धोएंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद सूखने पर अपने बालों को काट लीजिए। यदि आपके बालों में थोड़ा बहुत मेथी दाना लगा रह गया है, तो सूखने के बाद अपने आप ही आपके बालों से अलग हो जाएगा। इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आपको शैम्पू अपने बालों में नहीं लगाना है। आप चाहें तो दूसरे दिन अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत ही रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। ये आपके बालों को बहुत सॉफ्ट कर देगा। उम्मीद है आपको हमारा ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही हेल्थ एंड ब्यूटी वीडियोस लाती रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।